हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो रेसिपीज़। तो आज मैं रिव्यू कर रही हूँ, ये रिव्यू आफ्टर यूज़ वाला रिव्यू है, सिर्फ ओपनिंग नहीं है, वॉफल मोल्ड की। ये मैंने गैस वाला वॉफल मोल्ड लिया है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं है, सिंगल शेप्ड है, इसमें डबल कंपार्टमेंट नहीं है। बिकॉज़ एनी हाउ डबल कंपार्टमेंट, आप एक टाइम पे एक वॉफल को ही लाइक एक बर्नर पे सेकोगे तो एनी हाउ दो वाला आई डोंट थिंक सो, आई मीन दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तकरीबन 10 से 12 बार मैंने वॉफल बना लिए हैं और बहुत ही नॉन स्टिकी है ये। इट इज़ मेड अप ऑफ हाई एलुमिनियम अलॉय और हाई क्वालिटी फूड ग्रेड प्रोडक्ट है। ये अमेजोन बाय है और मुझे तकरीबन लाइक 1100 रुपये के आसपास का पड़ा है। ड्यूरेबल है, वॉश करने में अभी तक कोई कोटिंग नहीं निकली है। मैंने किसी भी लाइक जब मैंने वॉफल बनाए, मैंने किसी भी तरह का ऑयल या कोई भी फैट इसमें नहीं लगाया और वॉफल बहुत अच्छे क्रिस्प और नीट एंड क्लीन निकलते हैं बिल्कुल, लाइक कोई एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉनस्टिक है, ईजी क्लीनिंग है और इसका लॉन्ग हैंडल, इसकी ग्रिप मुझे बहुत अच्छी लगी। लाइक एक इसमें एल्युमिनियम का एक हुक दिया हुआ है, लाइक जब आप उसे बंद करेंगे तो आपका जो वॉफल बिल्कुल सील हो जाएगा, वो किसी भी तरह से किसी भी साइड से निकलेगा नहीं। लाइक बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक वाले प्रोडक्ट कम प्रेफर करती हूँ, एक तो उनकी क्लीनिंग की प्रॉब्लम होती है, आप उसे अच्छे से वॉश नहीं कर सकते। और जो मेरे पास पहले एक लाइक प्रोडक्ट था, अब तो खैर मैं टोस्टर मेकर सैंडविच मेकर गैस वाला यूज़ करती हूँ, पहले इलेक्ट्रिक वाला था, उसकी कोटिंग कुछ टाइम बाद निकल गई थी, सो आई डोंट लाइक आई मीन फाइंड देम यूज़फुल। दिस वन इज़ वेरी इजी टू यूज़, क्लीन, आई मीन मतलब एक तो लो पावर कंजम्पशन है क्योंकि आप गैस पे इसको बना रहे हो और आप इसे गैस स्टोव किसी पे भी बना सकते हो। बट ये हाँ, वन मोर थिंग, ये इंडक्शन के लिए नहीं है। इसमें जो आयरन की रिंग दी है वो बहुत ही अच्छी है, तो आई वुड रिकमेंड आप इसको यूज़ करें। थैंक यू।